शिवपुरी में भाजपा को एक और झटका लगने की पुष्टि हो चुकी है। आज सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ भोपाल में पहुंचकर कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। हम आपको बता दें कि सिंधिया के घनिष्ठ राकेश गुप्ता पहले कट्टर कांग्रेसी भी थे, लेकिन वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। राकेश गुप्ता कुछ रोज पहले भाजपा को छोड़ने का कारण बताया था। राकेश गुप्ता ने कहा था कि 3 वर्षों से सम्मान न मिलने के अभाव में मैंने अपने आप को ठगा महसूस किया, इसी के चलते मैंने वापस अपने परिवार में जाने का मन बना लिया। बता दें कि राकेश गुप्ता 26 जून को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान पहले ही कर चुके थे। इससे पहले सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव ने भी कुछ रोज पूर्व कांग्रेस का दामन थामा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। और जनता जो मैं क्या करता हूँ, कांग्रेस के भाइयों के हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। बजरंग बली की जय बोलना चाहूंगा। मेरे साथ हम लोग सूरज अवस्थी जी, श्यामलाल यादव जी, सहदेव मोदी जी, दिनेश पासवान जी, दिनेश नागर जी, विजय चौहान जी हमारे अध्यक्ष, बैजनाथ जी जिन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस में प्रवेश किया था, नासिर खान जी, सभी यहाँ मैं 40 साल से कांग्रेस की सेवा करता आ रहा हूं। मेरे पिता 75 साल से कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर मेरे पिता रहे, मैं भी रहा। मैं संगठन के कई पदों पर रहा हूं और कॉलेज के जमाने से मैं राजनीति करता आ रहा हूं। कॉलेज में उपाध्यक्ष चुनाव जब डायरेक्ट होती थी वो भी लड़ा, और उसके बाद 40 साल जो सेवा की उसके ही आज परिणाम है कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ पूरा लवाजमा जो है वो आपके सामने है। पिछले बार आपने क्या अब वो किस्सा खत्म हो गया, अब प्योर कांग्रेस बची है और प्रतिस्पर्धा ओपन होगी। जो काम करेगा वो आगे आएगा और उसी को योग्यता अनुसार सम्मान मिलेगा। पार्टी की रीति नीति के हिसाब से जो काम करेगा वो बढ़ पाएगा। राकेश भाई साहब, राकेश भाई साहब, एक मिनट, जिंदाबाद। जैसा कि नवंबर में आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कांग्रेस में आने से? नहीं, मेरी विधानसभा में मैं बेस्ट समाज से हूँ, 30-35 हज़ार बेस्टों के वोट हैं, तो मैं हमेशा से मदद करता रहा हूँ। और काफी मेरे से रुष्ट थे लोग, मैं भाजपा में चला गया था, तो अब मैं वापस आया हूं तो इतने लोग प्रसन्न हैं कि मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा, लोगों में उत्सव सा माहौल है। आप हमारे कार्यकर्ताओं में जोश देख रहे होंगे, इतने प्रसन्न हैं कि जिसकी क्यों बात नहीं। जब मैं भाजपा में गया था तो मेरे से लोग रुष्ट थे, हमारे कार्यकर्ता काफी नाराज थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।